Hello everyone, Eddie here and you are watching Eddie Gaming. तो आज हम लोग PUBG Lite में recoil control के बारे में बात करने लगे हैं। तो actually क्या होता है, PUBG Mobile अगर आप लोग खेलने के आदि हो तो उसके अंदर वैसे एक होता है aim assist चीज़ होती है, जिसकी वजह से ना अगर आपने किसी बंदे के ऊपर एम लेकर फायर किए तो थोड़ा सा राइट लेफ्ट अगर आप हो ना तो वो बुलेट बंदे के ऊपर लग जाती है। एक तरह से एम बॉट कह लो लेकिन थोड़ा फेयर एम बॉट कह लो आप लोग, क्योंकि वो हर किसी के पास होता है। सो इसके अंदर इस तरह का कोई सीन है नहीं, तो आपको फिर अपनी मेहनत से मारना पड़ता है। उसके अलावा PUBG मोबाइल के अंदर बहुत कम रिकॉयल है इसकी नस्बत, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिकॉयल होता है। सो मैं आप लोगों को उस रिकॉयल को कंट्रोल करने की कुछ टिप्स वगैरह बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ अगर आप अपने माउस को ड्रैग कर रहे हो ना नीचे तो उससे आपका रिकॉयल कंट्रोल नहीं होगा। सो चलो लेट्स गेट इनटू द तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ AKM और M249 पिक किए, क्योंकि इन दोनों का रिकॉइल गेम में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैंने लिटरली इस वक्त अपने डेस्क से माउस उठाया हुआ है, और जैसा आप देख सकते हो AKM का तो बहुत ही ज़्यादा रिकॉइल है, मुश्किल से 4-5 बुलेट्स फायर होती हैं, उसके बाद वो ऊपर टारगेट से ऊपर निकल गए होते हैं मार्कर जो है। तो सबसे बेसिक जो रिकॉइल के कंट्रोल की टिप है वो यही है कि आप या क्राउच करके फायर करो या फिर प्रोन होके। अगर तो काफ़ी दूर एम कर रहे हो तो फिर तो वैसे बेवकूफ़ी है AKM को यूज़ करना, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक टेक्निक बता रहा हूँ कि बेसिक टिप इसकी यही है पहले तो कि क्राउच या प्रोन होके आप फायर करो। उसके बाद अगर आपकी बर्स्ट में है गन, जौन सी बर्स्ट वाली है, उसको आप सिंगल कर दो। तो अगर आप सिंगल करके फायर करोगे तो रिकॉइल कंट्रोल काफ़ी इजी हो जाएगा। आप यानी माउस को बार बार टैप कर करके और हल्का हल्का ड्रैग कर दो तो कंपैरेटिवली ये ज़्यादा आसान है कि इससे कि अगर आप दबा के रख रहे हो और पावलों को इतना फायर कर रहे हो, क्योंकि मोस्ट प्लेयर्स अगर PUBG मोबाइल एमुलेटर से इधर आ रहे होंगे तो उनसे उन लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी कि इसी तरह होता है इसमें। अब M249 का भी आप लोग देख लो कितना ज़्यादा रिकॉइल आ रहा है। ये अब मैं नीचे थोड़ा सा ड्रैग कर रहा हूँ तो काफ़ी कंट्रोल हो रहा है। तो टेक्निक्स यही है कि आप माउस को अपने नीचे साथ साथ ड्रैग करते रहो और क्राउच या प्रोन हो जाओ। इसके अलावा जिस तरह ये देखो, एक हिसाब से मैं बर्स्ट फायर कर रहा हूँ यहाँ पर, AKM को मैंने एक हिसाब से बर्स्ट लगाया हुआ है, यानी कस्टम बर्स्ट अपना, उसके हिसाब से मैं इसको फायर कर रहा हूँ। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा AKM का रिकॉइल कंट्रोल हो रहा है। आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो, यकीन मानो बहुत हैवी किस्म का रिकॉइल आप लोगों का कंट्रोल होगा। अब जैसा कि आप देख सकते हो मैंने रेड डॉट यहाँ पर लगाया हुआ है और रेड डॉट के साथ मैं फायर कर रहा हूँ, तो क्राउच और प्रोन होने से कुछ कुछ कम हो रहा है रिकॉइल। जिस तरह ये यहाँ पर भी मैंने अपना माउस को बिल्कुल नहीं छेड़ा, सिर्फ फायर बटन को क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो अब ये 4x और 6x के साथ मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, ये पता नहीं क्यों रिवॉल्वर क्यों बाहर आ गया था। अच्छा, एक और टेक्निक ये, अगर आप लोगों ने 6x लगाया हुआ है तो 6x को आप 3x पर कन्वर्ट कर लो स्क्रॉल से, तो उसकी मदद से भी कुछ हद तक आपका रिकॉइल कंट्रोल होता है, यानी काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ हद तक कम हो जाता है पहले से। प्रूफ आपके सामने, और ये प्रोन होके मैं आपको दिखा रहा हूँ। AKM में उसका बेसिकली वैसे ही रिकॉइल इतना ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से अगर लॉन्ग रेंज फाइट लेनी है तो आप M416 यूज़ कर लो, स्कारल कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है।
M249 का भी इतना ज़्यादा रिकॉइल आ रहा है, हालांकि क्राउच हो के भी 6x है इस वजह से। ये देखो प्रोन हूँ तो प्रोन और 3x की है तो काफ़ी उसने रिकॉइल कम कर दिया था। इधर मैं AKM की सिंगल फायर कर रहा हूँ ऐसे ही, और लॉन्ग रेंज शॉर्ट्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस एक्यूरेसी से लग रही है, देखते जो आप लोग आगे। अभी क्राउच करूँ तो देखो कम हुई, यानी पहले तो क्राउच था प्रोन हुआ तो काफ़ी रिकॉइल कम हो गया, इसी हिसाब से रिकॉइल कंट्रोल होता है। अगर आप हैकर नहीं हो तो फिर तो ऐसे ही होगा, या अगर हैकर बन गया तो फिर ये तो काफ़ी गलत बात है यार, किसी और की गेम ही ख़राब करनी चाहिए। ये बंदे को पता नहीं क्या मसला हो रहा था, पंगे लिया जा रहा था मेरे से, मैंने भी थोड़े से पंगे ले लिए। जैसा आप देख सकते हो मुझे पता नहीं क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रेंज फायर कर रहा था एक गेम के साथ। AKM तो वैसे भी फेमस इसी वजह से क्योंकि उसका रिकॉइल इतना ज़्यादा है, लोग इसीलिए उसको इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, लेकिन मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है AKM। ये देखो मैंने यहाँ क्राउच करके M249 पर बर्स्ट फायर कर रहा हूँ, और ऑलमोस्ट सारे ये जो टारगेट है उसके अंदर लग रहे हैं। अभी देखो 6x फुल 6x लगाया हुआ, उस पर भी तीन तीन चार चार फायर कर रहा हूँ, ये पता नहीं क्यों नहीं लग के नहीं रहा था, मेरे ख्याल से पैकेट लॉस की वजह से नहीं लग रहा था। भाई सब कुछ छोड़ो यार, से चेक करो भाई की एक्यूरेसी कितनी है रही है। ओके और इतनी भी हैवी नहीं है, ओके। सो अब जो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ वो ये कि प्रोन होके सही तरह अपने माउस को नीचे ड्रैग करके रिकॉइल कर रहा हूँ, तो देखो बस राइट लेफ्ट रिकॉइल आ रहा है और अप डाउन का बहुत ही कम है, टारगेट के ऑलमोस्ट अंदर ही सारा कुछ फायर हो रहा है। तो अगर इसको आप बर्स्ट की फायर में ही फायर करो, बर्स्ट की फॉर्म में फायर करोगे तो फिर उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कम रिकॉइल होगा। वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, नीचे बेल आइकन क्लिक करो ताकि जो मैं नई वीडियो डालूँ आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्म हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।